इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। लास्ट वीडियो में जब मैंने वीडियो डाली थी तो मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स पे भी वीडियो बनाऊं, तो मैं आज अपनी थर्मोडायनेमिक्स की पहली वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, मैं आज आपके सामने स्टार्ट करूँ। तो सबसे बेसिक जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सबको पता होना चाहिए, सबसे बेसिक जो होता है थर्मोडायनेमिक्स वो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, पता होना चाहिए। तो क्या है, देखिए सिस्टम क्या है, कोई भी एक ऐसा रीजन या कोई भी ऐसी स्पेस, कोई भी रीजन, कोई भी स्पेस जिस पे हम वर्क कर सकें, कोई भी एनालाइज कर सके, कुछ भी एनालाइज कर सके, वर्क कर सके, कुछ भी कर सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी रिपेयर करने के लिए कोई भी आता है मैकेनिक, फ्रिज रिपेयर करने आ रहा है या एसी रिपेयर करने आ रहा है, तो वो जिस चीज पर वर्क कर रहा है, फ्रिज पर वर्क कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। फ्रिज क्या उसके लिए, सिस्टम। एसी क्या उसके लिए, सिस्टम। लेकिन उसके अलावा उसके आउटसाइड जितनी भी चीजें होंगी, होल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ भी चीज हो आपके, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। बहुत बेसिक है। सिस्टम क्या है, जिस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस रीजन पे वर्क कर रहे हैं, जिस स्पेस पे वर्क कर रहे हैं, उसे क्या बोलूंगा मैं, सिस्टम। और उसके अलावा आउटसाइड सिस्टम जितनी भी चीजें होंगी सब हमारी क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग। ये देखिए, ये है इसकी डेफिनेशन, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है। देखिए सिस्टम क्या है, इस सिस्टम इज मैटर और रीजन ऑन विच एनालाइसिस, जब मैंने बोला कोई भी वो स्पेस, कोई भी जिसमें हम कोई एनालाइज कर सके, वर्डन कर सके, वो क्या कहेगा हम, सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग क्या है, एक्सटर्नल, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। क्या है कि सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें होंगी सिस्टम से हटके उसके सराउंडिंग में, वो सब क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपके सिस्टम सराउंडिंग की डेफिनेशन। ठीक है, अब एक चीज आती है, सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को मिला के क्या बनता है, यूनिवर्स। तो याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन लेवल पूछा भी जाता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला क्या बनता है, यूनिवर्स। याद रखिएगा ये चीज, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिला क्या बनता है, यूनिवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके बाद मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप होंगे, तीन टाइप होते हैं। देखिए ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, ओपन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए क्या होता है, ओपन सिस्टम की सब बोलूंगा, ठीक है, दो चीजों का इंटरेक्शन होता है थर्मोडायनेमिक्स, हमेशा याद रखना, मास का और एनर्जी का। किसका, मास एंड एनर्जी, इन दो चीज का इंटरेक्शन होता है हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग में। सिस्टम में कोई भी चीज आती है जाती है, सराउंड से आती जाती है, तो क्या होता है, दो ही चीज का इंटरेक्शन होता है, मास इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन। या तो मास आ जा सकता है या एनर्जी आ जा सकती है, बस दो ही चीज का इंटरेक्शन होता है। तो यहां पर भी सिस्टम उसी में डिवाइड है, ओपन सिस्टम की बोलूंगा जिसमें मास और एनर्जी, क्या बोल रहा हूं, मास एंड एनर्जी दोनों क्रॉस करें, दोनों इंटरेक्शन करें, मास और एनर्जी दोनों इंटरेक्शन होगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, ओपन सिस्टम। क्लियर है सबको। ये क्लोज सिस्टम किसे बोलूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एनर्जी इंटरेक्शन, क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर एनर्जी इंटरेक्शन होगा, मास इंटरेक्शन नहीं होगा, उसे क्या बोलूंगा मैं, क्लोज सिस्टम। मतलब कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही आ सकती है, एनर्जी ही जा सकती है, उसे क्या बोलूंगा मैं, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसे बोलूंगा मैं, आइसोलेटेड सिस्टम के तो बोलूंगा जहां पे ना ही मास एंटर कर सके ना ही एनर्जी, नाइदर मास नॉर एनर्जी। क्लियर सबको, ना ही मास एंटर करे ना ही एनर्जी एंटर करे, सब क्या बोलूंगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ओपन सिस्टम में क्या एग्जांपल होगा, कार का इंजन हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, बॉयलर हो सकता है हमारा, ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होगा, क्लोज सिस्टम में सेम वैसे एनर्जी ट्रांसफर कर, जैसे कार की बैटरी हो गई, ठीक है, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर जो घर में होता है हमारे, ठीक है, वो सब क्या है हमारे, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड का क्या एग्जांपल होगा, आइसोलेट मतलब थर्मस, चाय का जो होता है थर्मस होता है, उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। क्यों, ना ही उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है ना ही मास, तभी उसमें जो आप चाय या कुछ भी चीज आप रखते हैं वो हमें अपने सेम टेम्परेचर पर रहती है, अगर ठंडी होती है तो ठंडी, गर्म रहती है तो गर्म, ठीक है, उससे कोई भी टेम्परेचर नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें ना ही मास का इंटरेक्शन हो रहा ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूं एक बार, ठीक है।
ये देखिए, ये है डेफिनेशन ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम. क्या है? व्हेन द मास एज वेल एज एनर्जी बोथ क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. अगर सिस्टम बाउंड्री को मास और एनर्जी दोनों ही चीज ट्रांसफर करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? ओपन सिस्टम. अब सिस्टम बाउंड्री जो ये वर्ड है, सिस्टम बाउंड्रीज ये क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, सिस्टम कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम बाहर उसके सराउंडिंग है सब, ठीक है. सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को एंटर और एग्जिट करने के लिए जो बाउंड्री है, सिस्टम की जो बाउंड्री है और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अटैच करता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बाउंड्री है. ये हमारी क्या कहलाती है? हमारी सिस्टम बाउंड्री, ठीक है. ये क्लियर है? क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगी उसे क्लोज सिस्टम बोलूंगा. आइसोलेटेड से बोलूंगा जिसमें ना ही मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी, कोई भी चीज ट्रांसफर उसे क्या बोलूंगा मैं? आइसोलेटेड सिस्टम. क्लियर होगा आपके? जिसके भी क्लियर नहीं हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोले, या कुछ भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में बोल सकता है. और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करे, शेयर करें.